यूपी विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ जहां राजनीतिक क्षत्रपों के बीच जबानी जंग दिन ब दिन गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, भाजपा का परचम भी बुलंद होता जा रहा है। इस चुनाव में भाजपा की सीधी टक्कर सपा से है, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस तो पहले से ही पस्त पड़ी हांफ रही हैं। लेकिन खुद को मुकाबले में बढ़ चढ़कर दिखाने वाले अखिलेश यादव का भी दम उसी दिन निकलना शुरू हो गया था, जब आयकर विभाग के छापों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से बेहिसाब दौलत मिलनी शुरू हो गई थी। और अब बची खुची कसर योगी आदित्यनाथ निकाल रहे हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो मथुरा के इस वाक्य को ही देख लीजिए। यहाँ सीएम योगी से जब सवाल पूछा गया कि आपके एक सांसद कह रहे हैं कि उनको भगवान कृष्ण का सपना आया कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा तंज भरा जवाब दिया कि अगर वहां कोई समाजवादी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता मौजूद होगा तो शर्म से पानी पानी हो गया होगा। योगी ने कहा कि जब कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में भगवान कृष्ण आ सकते हैं, तो अपने भक्तों के सपने में कृष्ण क्यों नहीं आएंगे। बीजेपी सांसद के सपने में तो भगवान कृष्ण आए ही होंगे, ये बिल्कुल सच हो सकता है, लेकिन मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा जहां से मेरी पार्टी कहेगी। योगी के इस जवाब से सपा समर्थकों में खलबली मचना तय था, लेकिन वो बेचारे करते भी तो क्या, आखिर योगी ने कुछ झूठ तो कहा नहीं था। अगर किसी को भी योगी की बात पर जरा भी संदेह हो तो जरा याद कर लें कि 2016 में अखिलेश के खासम खास रहे रामवृक्ष यादव ने किस तरह जवाहर बाग की घटना को अंजाम दिया था और कई दिनों तक मथुरा को बंधक बनाए रखा था। फिर भला अगर योगी ने अखिलेश यादव और सपा नेताओं को कंस का उपासक बता दिया तो क्या गलत कह दिया। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।